हाँ ये न्यू जेन है यार, ये ना बहुत मेरे साथ एक बार ही हो चुका है तो इसलिए मैं ना किसी को देता नहीं हूँ। लद्दाख भाग जाता है इसको, मैं जब मैं शिप से आता हूँ तब मैं इसको पकड़ के बैठता हूँ कि नहीं तू लद्दाख मत जा, वो चाल चाल के हमारी चलाता है। आज हमारे साथ बड़े बड़े लोग चल रहे हैं। दिल्ली में शादियों का सीजन स्टार्ट होता है, शादियों के साथ साथ गली मोहल्ले में आवाजें ऐसे ऐसे साउंड आती है जो आपको पता भी नहीं होगी ढोल की, और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में तो और ज़्यादा। वैसे दिल्ली का मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना, उसके साथ साथ मुझे कोल्ड हो गया। अब कर रहा हूँ अब ठंडा खाना पहले, नहीं तो मैं शेक पी रहा था, दूध डाल के या दही खा रहा था। दही तो वैसे मैंने बहुत कम खाया, दूध पी रहा था, बट अब मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। जब भी अगर कभी आपको हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दो, मतलब पनीर दूध दही कभी मत पियो, गर्म दूध भी नहीं। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी लेने, कि कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, अब नीचे जा रहा हूँ कॉफ़ी लूँगा फिर आगे पढ़ूँगा। आज से 5 साल पहले जब मैंने 4th इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दिए थे तो हम सारे दोस्त पढ़ते थे एक सब ग्रुप में, और बहुत जल्दी स्टडीज ख़त्म हो जाती थी, पता भी लगता था कि टॉपिक कवर भी हो गया। बट अब अकेले पढ़ना पड़ रहा ना तो बहुत बोरिंग लगता है। कभी एक चीज़ करोगे आप, कभी दूसरी चीज़ करोगे, फिर कभी व्लॉगिंग करने लग जाओगे, कभी कुछ काम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ो तब ज़्यादा सही होता है। अभी रे और विराज है नहीं यहाँ पे, तो मेरे पास ये सबसे अच्छा टाइम है कि मैं पढ़ लूँ, बट स्टिल मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे को नींद आने लग जाती है। जैम और कॉफ़ी का है, कॉफ़ी देख रहा हूँ, जैम तो यहीं पे है। बहुत रेयर सीन होता है कि मैं चॉकलेट लेता हूँ, बट आज मन कहा डेरी मिल्क। रिया ने अजीब सी चीज़ भेजी है मेरे लिए एनिवर्सरी पे, देखो अच्छा सुपरमैन बना दिया मुझे। तूने नहीं भेजी, अभी मैं सोच रहा था केक भेजो, अब मैं सोच रहा हूँ उसने मुझे सुपरमैन बना दिया तो मैं उसको सुपर वूमन बना दूँ, वंडर वूमन। कल से मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई है, मतलब क्लास चल रही थी, क्लास में तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग पाया, ठीक है, इतना ज़्यादा कोल्ड हुआ है, अभी कोल्ड ज़्यादा है और कफ भी है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से क्लास चल नहीं पा रही। कफ अभी ठीक लग रहा है और अब मैं जा रहा हूँ जिम, मैंने कहा जिम चले जाता हूँ, हाफ एन आवर करूँगा बट सर को कवर करके जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली में ठंड मुझे लग रहा है इसकी वजह से भी लगी है, मैंने सर नहीं कवर किया था और उसकी वजह से सर पकड़ लिया, मतलब जुकाम लग गया। मैं बस कॉफ़ी पीऊँगा, जल्दी से जिम निकल रहा हूँ, जब तक मैं खा रहा हूँ ऑमलेट और ब्रेड, उसके बाद फिर से आके पढ़ाई करूँगा। अब मेरा ना पूरा पैटर्न मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को इतना कोर्स करना है इतने दिन में, क्योंकि इस बार ओरल भी है और रिटर्न भी हैं, तो रिटर्न मैंने इस बार एक फिलअप किया है जैसे आपके पास चॉइस होती है, और ओरल्स मैंने 2 किए हैं, सेलेक्ट पास होना पता नहीं किस में सबसे ज़्यादा वो पास, मतलब ओरल का पासिंग तो आपको पता लग जाता है उसी टाइम जब आपको सर्वेयर बताता है, तो आपको पता लग जाता है कि आप पास हुए हो एग्ज़ाम या नहीं, पर रिटर्न का आता है 1 महीने बाद, तो इसलिए मैंने 3 एग्ज़ाम इस बार ही फिलअप किए हैं, बाकी अब देखते हैं। तेज है, बहुत तेज है, दिल्ली की सर्दी से बचने के लिए हमने सारे मसाले डाले हैं इसमें, क्या क्या डाला है, इलायची, बड़ी लौंग और दालचीनी और इसके अंदर है सुंड, सौंफ, सुंड, सूखी हुई अदरक, जायफल, काली मिर्ची, काली मिर्ची, तो ये चाय में डाल के मतलब हम पियेंगे, ये बन गई मसाला, मतलब बहुत तेज है, बहुत तेज है में भर के रख, इसी में से तुम निकाला।
फिर वैसे भी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी है। इंटरकॉम को लगाना रह गया था हेलमेट के ऊपर, तो मैं इसी को कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसको कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली आपको देखना होता है, क्योंकि आपके ना हेलमेट में कभी कभार पोजीशन नहीं दी होती। जैसे मेरे हेलमेट में यहाँ पे स्पेस किसी किसी हेलमेट में होता है गिरी, तो मैं अभी वही सेट कर रहा हूँ प्रॉपरली कि कैसे सेट होगा। और एक बार सेट हो जाए तो फिर ना मैं भी उसको चेक कर दूँगा, क्योंकि कनेक्शन में, और मेनली मैंने इसलिए लिया था कि घर वालों को फ़ोन आता तो मैं बाइक पे पिक नहीं कर पाता। तो जब पानी मतलब कनेक्ट हुआ होता है इंटरकॉम, तो आप पिक कर सकते हो फ़ोन को अपने ईजिली। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है इसमें। तो बेसिकली ये जो इनसाइड है ये है वेलक्रो टेप जो मैंने लगाई है। और यहाँ पर ना गैप होता है, जैसे हम पैडिंग हटाते हैं अपनी, यहाँ पर गैप होता है। जैसे मैं लाइट में दिखाता हूँ, मतलब जहाँ से आप कम्युनिकेट कर पाओगे या मतलब कॉल पे बात कर पाओगे आप जहाँ से, तो ये आपकी ये नियर टू आपके माइक्रोफोन होगा, जहाँ पे आपका GoPro का माइक जाता है ये उसके पास होगा। यहाँ से कनेक्ट करके बस आपको वायर का दो सेटअप ही होता है, दो वेलक्रो टेप होती है जो आपको एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड आपके एज पर द ईयर्स जो आपके हेलमेट में बैठ रहे हैं, जहाँ पे ईयर्स आपके वहाँ पे आपको वेलक्रो टेप लगानी। देखो एक तो मैंने वैसे चेक कर लिया था कैमरे को अब, बट राइट पे जाना बनता है, तो मैंने सोचा राइट पे जाके ना प्रॉपर इसका एयर विंड मतलब विंड रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वॉइस कैंसिलेशन मतलब प्रॉपर वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो चेक करना है। इसलिए मैं निकल रहा हूँ राइट पे, और बहाना भी चाहिए था क्योंकि बहुत दिनों से ना फट पड़ के बोर हो गया। चलो भाई फ़ोन कनेक्टेड आ गया, परानी M10 अब कनेक्ट हो चुका है ये। मैं वही कहूँ कि मैंने कनेक्ट किया था बट आवाज़ क्यों नहीं आ रही, पता इतने टाइम बाद बाइक चलाइए ना ऐसा एड्रेनलिन रश हो रहा है बाइक को चलाने पे कि पूछो मत, इतना मज़ा आ रहा है। मतलब क्रेजी एक्सपीरियंस होता है सही में, जब 4 महीने बाद आप शिफ्ट से आओ और आपके पास ऐसी बीस्ट हो और आपको भगाने का मौका मिल रहा हो। अभी वैसे तो रात का टाइम है, भगाता इतना ज़्यादा नहीं हूँ, बट जब आप चला रहे हो तब भी आप एंजॉय कर रहे हो। आज हमारे साथ बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, और ये इसने कुछ और कनेक्ट किया है, क्या नाम है इसका, ठीक है रेंट अप। तो आज हम इसको भी ट्राई कर रहे हैं, कैमरे तो हम ट्राई कर ही चुके हैं, तो आज मेरा तो मतलब दोनों चीज़ें थी। चल ठीक है, तो कॉल रिसीव कर ले यार, ये वर्क फ्रॉम होम वाले ना बंदे मेरे को बड़े बुरे लगते हैं, जो कि घर से भी बोल रहा था कि काम करो। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब हुआ क्या, अब अनस अनस और मेरे हॉर्न का कंपटीशन हो रहा है, अनस को बजा ना, बजाता हूँ बजाइए बजा। चल चल देख चल, अब इसका देख इसका तो तेज है।